हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यह जो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है यूपी बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड में भी यही चैप्टर है, स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो जो भी हमारे चारों तरफ जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एनहेंसमेंट, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ये आपके एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है मई में 12th बोर्ड बायोलॉजी का, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो जो इन्हेंसमेंट होता है फूड प्रोडक्शन में, जो भी फूड प्रोडक्शन या तो हम कैटल्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा या फिर प्लांट्स का जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे लिए फूड का कार्य करते हैं, उनके प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमने यही देखा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर कराए, ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। व्हाट इज मेंट बाय टर्म ब्रीड, ब्रीड से आपका क्या मतलब है, ब्रीड से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। ए ब्रीड इज ए स्पेशल वेराइटी ऑफ एनिमल विद इन ए स्पीसीज, ब्रीड जो होता है वो एक स्पेशल वेराइटी होता है एनिमल का विद इन ए स्पीसीज। जैसे जैसे कि अगर हम काउज की बात करते हैं, जैसे कि हम काउज की बात करते हैं तो ये जो काउ होती है इनमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है। तो कुछ जो होती हैं बहुत ही स्पेशल होती हैं, जिनसे कि फूड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फूड प्रोडक्शन मींस कि काउ क्या करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ज्यादा होगा तब हम उसे कहेंगे कि इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जो वैरायटी होती हैं अपने ही स्पीसीज की, वो कुछ जो है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो और वैरायटी जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं सारे कैरेक्टर में, ठीक है, चाहे वो अपीयरेंस हो, साइज हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, एंड द फीचर्स विथ अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। जर्सी एंड ब्राउन स्विस आर एग्जांपल ऑफ फॉरेन ब्रीड ऑफ कैटल। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काउ होती है उसमें जर्सी और ब्राउन स्विस जो है एग्जाम्पल है फॉरेन ब्रीड की, कैटल के फॉरेन ब्रीड। These two variety of cattle have the ability to produce abundant quantities of milk. और ये जो दो variety है cattle की, ये जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में milk का production कर सकती है। This milk is very nutritious with high protein content. यह जो milk होता है बहुत ही ज्यादा nutritious होता है और protein content भी बहुत ज्यादा होता है। Objective of animal ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन बीइंग जो भी करता है अपने फायदे के लिए तो एनिमल की ब्रीडिंग क्यों करता है, एनिमल का पालन पोषण क्यों करता है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स वो प्रोड्यूस कर सके, टू इंप्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस। यह जो है एनिमल प्रोड्यूस की क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए करता है, एंड टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ एनिमल, और किस लिए कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो डिजीज फ्री हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, मींस कि वो उनको अगर कोई डिजीज होती है तो उससे वो रेजिस्ट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन है एनिमल इन ब्रीफ द रोल एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि हम एनिमल्स का जो पालन पोषण करते हैं तो उससे ह्यूमन बींग को क्या फायदे होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील
डील्स विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। जो भी हम पालन पोषण करते हैं एनिमल्स का, चाहे वो हेन हो गई या एपिकल्चर हो गया, चाहे वो हनी बी हो गई या कैटल्स हो गए, तो इनका जो हम इनके साथ जो हम डील करते हैं वो साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड होते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, तो इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड कंट्रोल डिजीज टू राइज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है एनिमल्स जिनको हम जिनका हम पालन पोषण करते हैं उनकी फीडिंग को देखते हैं कि उनकी फीडिंग हम कैसे करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ब्रीडिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज टू राइज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जो भी एनिमल लाइफ स्टॉक है हमारे पास, उनमें कम से कम डिजीज हो और वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, इस तरह के एनिमल्स की हम के ब्रीड हम करते हैं। एनिमल्स हस्बेंड्री इंक्लूड यूजुअली इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज द, और इन एनिमल्स में कौन कौन से हैं जिनका हम पालन पोषण करते हैं, कैटल है, पीग है, सीप है, पोल्ट्री है, एंड द फिश विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन इन वेरियस वेज। तो फिश का करते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन इन वेरियस वे, ह्यूमन के लिए बहुत सारी चीजें जो कि यूजफुल है किसी ना किसी वे में, तो उनका हम जो है कि पालन पोषण करते हैं। दीज एनिमल्स आर मैनेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सच एज मिल्क हो गया, मीट हो गया, उल हो गया, एग, हनी, सिल्क, इटीसी। द इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, हेंस इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक साइंटिफिकली। तो हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है और उसमें हम जो कैटल्स या जो लाइफ स्टॉक्स की हम देख रेख करते हैं वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा करते हैं, जिससे कि ह्यूमन के लिए जो भी चीजें यूजफुल हैं और उसको जो मिल सकती हैं वो जो है और ज्यादा मात्रा में और ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके और अच्छे इम्प्रूव्ड वैरायटी की मिल सके। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ योर फैमिली ओन्ड ए डेयरी फार्म, व्हाट मेजर वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम डेयरी फार्म खोलते हैं तो वहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी जो हमारे मिल्क की है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट होता है डील्स विद द प्रोसेस विच एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन चूजिंग द इम्प्रूव्ड वेराइटी कैटल ब्रीड। जो कैटल ब्रीड हम चूज करते हैं उसे हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का हम जो है कि इम्प्रूव्ड वेराइटी को चूज करेंगे। प्रोविजन ऑफ द प्रॉपर फीड फॉर द कैटल्स, कैटल्स को हम प्रॉपर फीड प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो ज्यादा मात्रा में मिल्क को बना सके और प्रोड्यूस कर सके। मेंटेनिंग प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटी एंड द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कैटल। इसमें हम जो है कि कैटल्स की रेगुलर क्लीनिंग करते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर सके। चूजिंग इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ कैटल मैनेजमेंट। कैटल मैनेजमेंट का यह जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाइब्रिड कैटल ब्रीड आर प्रोड्यूस फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड कैटल ब्रीड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इम्प्रूव्ड मीन्स कि उनका जो मिल्क होता है उसकी उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट हाइब्रिड कैटल ब्रीड शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिजायरेबल जीन्स सच एज द हाई मिल्क प्रोडक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। हम जो इसमें कैटल ब्रीड को चूज करते हैं उसमें देखते हैं कि उसका मिल्क प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो ज्यादा है एंड उसे जो है किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं हो सकता है। कैटल शुड आल्सो बी गिवन हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड कंसिस्टिंग ऑफ रफेस फाइबर
sugars, concentrates and the high level of protein and the other nutrients. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम cattle को बहुत ही अच्छा food provide कराते हैं, जिसमें कि roughage fibers, concentrates ज़्यादा हो, high level of protein and the other nutrients. Cattle should be housed in proper cattle house, should be kept well ventilated roof to prevent them from the harsh weather condition such as heat, cold and rain. हम जो है cattle को जहाँ पे रखते हैं, जो cattle house होता है, उसकी proper देखरेख होनी चाहिए, वहाँ पे पूरी तरह से air का ventilation होना चाहिए और heat को भी manage किया जाता है. Regular bath and the proper brushing should be ensured to control the disease. यहाँ पे हम जो cattle की देखरेख करते हैं, उनका जो है हमें रेगुलर बात कराना होता है. आल्सो टाइम टू टाइम चेक अप बाय ए वेटरनरी डॉक्टर बाय सिम्टम फॉर द सिम्टम्स वेयर ए डिजीजेस शुड बी अंडरटेकन. तो और उनकी टाइम टू टाइम चेकिंग भी करानी होती है. तो हम जो है एनिमल जो कि डेयरी फार्म खोलते हैं, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि मिल्क की क्वांटिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो सके, उसे हमने देखा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फूड प्रोडक्शन इनहेंसमेंट चैप्टर से ये आ सकता है कि एपिकल्चर क्या होता है, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एपिकल्चर क्या होता है और ये हमारे जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है. एपिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग. इसमें क्या है, हनी बी जो होती है, जो कि हनी प्रोड्यूस करती है, वैक्स प्रोड्यूस करती है, उसकी उसकी कीपिंग कर, उसको हम देखरेख करते हैं, उसका पालन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट. जैसे कि मैंने पहले बताया हनी और बी वैक्स के लिए. हनी इज द हाईली न्यूट्रिशियस फूड सोर्स एंड यूज्ड एज एन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन. यह हनी जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, फूड की तरह भी यूज किया जाता है, या फिर द मेडिसिन में भी बहुत सारी मेडिसिन में हनी का यूज होता है. इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स सच एज द कोल्ड, फ्लू एंड द डायसेंट्री. हनी को हम किन किन डिजीजों में ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कोल्ड है, फ्लू है एंड द डायसेंट्री. अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी इंक्लूड द बी वैक्स. बी वैक्स जो है ये भी हनी बी जो है प्रोड्यूस करती है एंड द बी पॉलन. बी वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग द कॉस्मेटिक. बी वैक्स किस लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए एंड इन द यूज एंड इवन यूज इन द सेवरल मेडिसिनल प्रिपरेशन. मेडिसिन प्रिपरेशन में भी बी वैक्स का यूज किया जाता है. देयरफॉर टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ द हनी, पीपल हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बी कीपिंग ऑन लार्ज स्केल. और हनी के डिमांड को इस तरह से बढ़ता हुआ देख के लोगों ने बड़े लार्ज स्तर पे बी कीपिंग को शुरू किया. इट हैज बिकम एन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी. यह जो है एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है फॉर द फार्मर, सिंस इट रिक्वायर्स ए लो इन्वेस्टमेंट एंड इज लो लेबर इंटेंसिव. क्योंकि क्योंकि जो बी कीपिंग होता है उसमें हमें ज्यादा ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना होता है, और जो है कि इसकी बी कीपिंग में हमें ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना होता है, और जो है कि हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन फूड प्रोडक्शन इन्हेंसमेंट से चैप्टर नंबर 9 से पूछ सकता है, वो है डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन इन्हेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन. फिशरी का क्या रोल हो सकता है फूड प्रोडक्शन के इन्हेंसमेंट में. फिशरी इज एन इंडस्ट्री विच डील विद द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फिश एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल दैट हैव ए हाई इकोनॉमिक वैल्यू. फिशरी क्या होता है, फिशरी में हम जनरली जो है हम जो डील करते हैं वो फिशेस के साथ, फिशेस को हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे इनकी मार्केटिंग करते हैं, इसके बारे में हम डील करते हैं, और कैसे ये सारे प्रोसेस जो है हमारे इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं. सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स आर द प्रॉन. जो एक्वेटिक एनिमल ज्यादातर जो कि इकोनॉमिक वैल्यू के हैं वो है प्रॉन, क्रैब, ओयस्टर, लॉबस्टर एंड द ऑक्टोपस. फिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. जैसे कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फिश की प्रोसेसिंग की जाती है,
और फिश को पाला जाता है और उसको कैच करके मार्केटिंग की जाती है. फिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. दिस इज बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिशेज एज अ सोर्स ऑफ द फूड विच इज बोथ चीप एंड हाई इन एनिमल प्रोटीन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन बींग है इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या चाहिए, फूड सोर्स चाहिए और जो है कि सारे न्यूट्रिशन चाहिए और ये सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है फिश से पूरा हो जाता है. ए फिशरी इज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री. यहाँ पे फूड के साथ 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 जो है एम्प्लॉयमेंट भी होता है बहुत सारे लोगों का फॉर द पीपल स्टेइंग इन द कोस्टल एरिया और उनका जो ज्यादातर की समुद्री एरियाओं में रहते हैं. बोथ फ्रेश वाटर फिशेस सच एज द कटला रोहू इटीसी. यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेस का भी बहुत लोग जो है क्या करते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस की फार्मिंग करते हैं. एंड द मरीन फिशेस जैसे कि टूना, मार्कल, पॉम्पेट इटीसी आर ऑफ द हाई इकोनॉमिक वैल्यू. तो ये जो फिशेस हैं हाई इकोनॉमिक वैल्यू की हैं और इनकी जो है देख रेख करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपोगेशन. तो जो हमारा एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है वो और हम कैसे कर सकते हैं. तो मेजर जो एडवांटेज है मींस कि तो इसमें एक प्रोसेस होता है माइक्रो प्रोपोगेशन. ये माइक्रो प्रोपोगेशन जो है किस तरह से हेल्पफुल होता है प्लांट्स के प्रोडक्शन में. तो माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है मेथड होता है एक प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर. इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लांट के छोटे छोटे प्लांटलेट्स को हम बहुत ही कम समय में और ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस कर सकते हैं. Some major advantage of micro propagation are as follow. जो micro propagation होता है help करता है large number of plant in the short time. तो micro propagation क्या है कि इसमें हम किसी भी plant के large number को produce कर पाते हैं कम समय में. द प्लांट्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट. इट लीड द प्रोडक्शन ऑफ हायर प्लांटलेट विच एग्जिबिट बेटर डिजीज रेजिस्टेंस पावर. और इन प्लांटलेट्स में क्या होता है कि बेटर डिजीज रेजिस्टेंस पावर होता है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछ सकता है फूड इनहेंसमेंट से उसमें है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द बेस्ट सुटेड फॉर द मार्केटिंग फॉर द मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स एंड व्हाई. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम प्लांटलेट प्रोड्यूस करते हैं और वो जो है वायरस फ्री हो तो इसमें प्लांट का कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होते हैं. जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं यह जो है कि टोटिपोटेंसी इन नेचर होते हैं. ये पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और एक्सिलरी मेरिस्टेम के साथ भी ऐसा ही है. और इनसे जो है हमें वायरस फ्री प्लांट्स मिलते हैं. इन ए डिजीज प्लांट ओनली दिस रीजन इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द वायरस. जो डिजीज्ड प्लांट होते हैं जो भी प्लांट डिजीज्ड होते हैं उनमें जो है जो एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम होता है यह जो है केवल की वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता है एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. हैज द साइंटिस्ट रिमूव एक्सिलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द डिजीज्ड प्लांट एंड ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन डिजीज फ्री एंड हेल्दी प्लांट. कोई भी वायरस इन्फेक्टेड अगर प्लांट है और उस प्लांट के हम एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को निकाल के और उसी तरह का दूसरा प्लांट अगर हम ग्रो करते हैं तो वो प्लांट जो होता है डिजीज फ्री होता है. वायरस फ्री प्लांट्स ऑफ द बनाना सुगर कैन एंड पोटैटो हैव बीन ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड बाय साइंटिस्ट. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वायरस फ्री जो प्लांट्स होते हैं कि इसके बनाना के सुगर कैन एंड पोटैटो के ये जो है सारे इसी मेथड के द्वारा डेवलप किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुगर कैन पोटैटो और बनाना के वायरस फ्री प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करते हैं.
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ द विटामिन मिनरल प्रोटीन्स एंड फैट कंटेंट। बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्रीडिंग करते हैं क्रॉप की, उस तरह से हम क्रॉप की ब्रीडिंग करते हैं जिससे कि उस क्रॉप का जो प्रोडक्ट है उसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन एंड फैट कंटेंट ज्यादा हो। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और इस तरह से हमें क्या होगा कि जो ह्यूमन बींग की जो जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ब्रीडिंग ऑफ द क्रॉप एंड द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेक टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ प्रोटीन ऑयल विटामिन मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द क्रॉप। इट ऑल्सो अंडरटेकन टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ ऑयल प्रोटीन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज व्हीट वेराइटी नोन एज द एटलस 66 विच हैज हाई प्रोटीन कंटेंट इन कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग व्हीट। इन एडिशन दीज आर सेवरल अदर इम्प्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट सच एज द राइस कैरेट एंड स्पिनच एटीसी। इस तरह से हमने इम्प्रूव्ड वैरायटीज को प्रोड्यूस किया राइस के, कैरेट और स्पिनच के, जिनमें की ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है और जो कि ज्यादा और जो है कि न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होती है और इनमें न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो भी ज्यादा होती है देन द एग्जिस्टिंग वेराइटीज। तो यहाँ पे हमने किया कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें हमने ये देखा। तो इसमें से जो क्वेश्चन है पक्का से पूछे जाते हैं, तो इनमें से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और ये अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर जो है हमारा इन क्वेश्चन में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। तो इस तरह से यह जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।